लगड़ा लूला नोटिफिकेशन करके और आशाओं के व्हाट्सएप पे डाल दिया कि आशा राजी हो जाएगी और अपने घर लौट जाएंगी। पर इस सरकार ने नू को नहीं दे रहा और स्कूलों में तो एक से एक दस बारह चौदह सोलह बारह तक की पढ़ाई होती होगी, लेकिन सिक्कों में तो 40 तक पढ़ाया जा 40 तक है। अपने घर जाओ, आज घूंघट काटने की प्रशासन ने क्या जरूरत है महिलाओं से? क्यों भी पानी का प्रबंध कराया, छोटी छोटी तीन गाड़ी खड़ी कर रखी जेल खातिर भी चल गया काम बच बुढ़े तो रूक के मांग ला के दे पर सटे तो सीटा ऊँचा सीटी पार्क से गाटिया का प्रबंध कर लो। हमने वो काम ना बैठाइयो तब से रोड पे हमने बैठा बैठा और सुनारिया का निकालते कर जो जेल में मारी जगह जुड़े कई दिन पहले में घोषणा और ये 15 तारीख ने खड़ा खोड़िया होगा प्रशासन के बारे सरकार को वोट के लिए तो झुग्गियों का सर्वे भी चाहिए, लेकिन पैसे देने के लिए ये बेटियों के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, समझी? हम झुग्गियों में जा जाके एक एक बच्चे को टीकाकरण करवाते हैं और नहीं करवाते हैं तो सरकार कहती है कि इनके लेटर निकाल दिए जाएंगे। भट्ठों पे हम कहीं जाते हैं, हम झुग्गियों में जाते हैं, इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी ये नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हम किसी की बेटियां नहीं है? क्या हमारे पास कोई बेटी नहीं है? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। मुझे रोना आता है ऐसी सरकार को, लाना था मुझे ऐसी सरकार पर जो 4000 रुपए देने के लिए इन बहनों को मेडिकल तक पहुंचा रही है। ये हमारी सरकार है क्या? तुमने को हम 4000 में काम करा रही नारे लावे है, ये तुमने अपनी छोटी फिर सारी सूद कितनी ले देगा? हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पूरी गाड़ियों का प्रबंध करो मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आशा वर्करों ने आज जेल भरो आंदोलन किया है, लेकिन प्रशासन के पास गाड़ियों की संख्या कम है, इसीलिए ये बैठ नहीं पा रही हैं, सारी की सारी ऐसे ही खड़ी हैं। यानी कि इन्होंने जो आंदोलन कहा था कि जेल भरना है, जेल में जगह नहीं है तो भरना, उन्होंने जारी कर दिया कि आपको पूरा वेतन दिया जाएगा, लेकिन अपनी मांगों से फिरते हुए खट्टर ने मांगे नहीं मानी और अब आशा वर्करें खुद गिरफ्तारी देने आई हुई हैं, क्योंकि प्रशासन के पास गाड़ियां नहीं हैं, तो ये खुद ही यहां पर रोहतक पुलिस लाइन में आई है अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। कुछ को तो ये ले आए थे, लेकिन कुछ अब ये आ रही है अपनी मर्जी से आ रही है गिरफ्तारी देने, देखते हैं क्या होता है। जो आंदोलन आगे बढ़ता जान लग रहा है सरकार।
हुई है और सरकार का कापड़ी छूटने का मतलब हरियाणा के लोगों के लिए ये आसावर बात सुन लो जान से, हरियाणा की जनता के लिए आसावर कर का आंदोलन ये सिद्ध करेगा और सा